दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। आज है 5 अप्रैल। मैं आपको करेंट अफेयर्स से आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर में रहें और सेफ रहें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 2.5%, या फिर ऑप्शन डी 3.5%। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए 2020-21 का आर्थिक विकास दर आपका 4% निर्धारित किया है। तो 2020-21 में भारत का ग्रोथ रेट 4% रहेगा, ऐसा अनुमान है कि एशियाई विकास बैंक का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संस्थान प्रोजेक्ट प्राना के तहत वेंटिलेटर विकसित कर रहा है? कौन सा संस्थान प्रोजेक्ट प्राना के तहत वेंटिलेटर विकसित कर रहा है? ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT कानपुर, या फिर ऑप्शन डी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। प्रोजेक्ट प्राना के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 अप्रैल को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल को, ऑप्शन सी 5 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो राज्यसभा दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 3 अप्रैल को। राज्यसभा दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलिप एंडरसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? फिलिप एंडरसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए रसायन, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी साहित्य, या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिलिप वॉरेन एंडरसन ने चुंबकीय और अव्यवस्थित प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक संरचना में अपने शोध के लिए 1977 यानी कि 1977 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता, ठीक है। तो यह नोबेल पुरस्कार भौतिकी में इन्होंने जीता था 1977 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे किए? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे किए? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी फिजी। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना ने, ठीक है। भारत और चीन ने 1 अप्रैल 2020 को अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे किए। 1 अप्रैल 1950 को भारत एशिया में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बन गया। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है। ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का विषय क्या है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स विद ऑटिज्म, ऑप्शन बी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी ओपनिंग डोर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन डी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ये आपका विषय रखा गया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, अफ्रीका मध्य पूर्व एशिया और भारत क्षेत्र के लिए निशान के नए अध्यक्ष कौन है? अफ्रीका मध्य पूर्व एशिया भाव और भारत क्षेत्र के लिए निशान के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए गुइलामे कार्टियर, ऑप्शन बी आरसी भार्गव, ऑप्शन सी अनुराग मेहरोत्रा, या फिर ऑप्शन डी
आशीष चोरडिया, फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुइलामे कार्टियर। ठीक है, गुइलामे कार्टियर को निशान ने अफ्रीका, पूर्व एशिया और भारत क्षेत्र के लिए निशान का नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो दोनों पद के लिए नियुक्त किए गए हैं निशान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल को, ऑप्शन सी 2 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 3 अप्रैल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 अप्रैल को। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस हर साल 2 अप्रैल को, सॉरी सॉरी ये 2 अप्रैल को, हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह एक वार्षिक आयोजन होता है जो युवा लोगों के लिए पुस्तकों पर अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समर्थित होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा यह समर्थित विषय है या फिर आयोजन है जो कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आरोग्य सेतु क्या है? ऑप्शन ए यह आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना है, ऑप्शन बी यह COVID-19 संक्रमण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया एक ऐप है, ऑप्शन सी यह बीआरओ द्वारा निर्माणाधीन पुल है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यह COVID-19 संक्रमण के लिए निपट संक्रमण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया एक ऐप है। ठीक है, तो यह आरोग्य सेतु एक ऐप है जो COVID-19 से संक्रमण को देखने के लिए बनाया गया है। सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी कौन है? सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी कौन है? ऑप्शन ए अनुज मेहरा, ऑप्शन बी डी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी संजीव मेहता, या फिर ऑप्शन डी आदित्य पुरी। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डी लक्ष्मी नारायण। ठीक है, डी लक्ष्मी नारायण को 1 अप्रैल 2020 को सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? ऑप्शन ए ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ऑप्शन बी प्रोक्टर एंड गैम्बल, ऑप्शन सी आईटीसी, या फिर ऑप्शन डी जॉनसन एंड जॉनसन। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लगभग 31,700 करोड़ रुपए के सौदे के लिए ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ अपना विलय पूरा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टीसीएस को पछाड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सी फर्म सबसे मूल्यवान घरेलू फर्म बन गई? टीसीएस को पछाड़ते हुए भारतीय पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सी फर्म सबसे मूल्यवान घरेलू फर्म बन गई है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इस बार टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए पूंजीकरण के संदर्भ में पहले नंबर की फर्म बन गई है। इससे पहले लगातार 2 साल से टीसीएस आगे चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020 का विषय क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए मोर देन विजिबिलिटी, ऑप्शन बी सर्वाइविंग थ्राइविंग, ऑप्शन सी ट्रांस रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वाइविंग थ्राइविंग, इसका विषय रखा गया है। ठीक है, तो आपका विषय है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी का सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने किस एयरलाइंस में 5.45% की हिस्सेदारी को खरीदा? तो इसका राइट आंसर है स्पाइसजेट, जो कल हमने प्रश्न पूछा था। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया उसका आंसर आपके सामने आज है। ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन,
द विसेनई सीरीज सीजन वन उपन्यास किसने लिखा है? द विसेनई सीरीज सीजन वन उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए माइकल लुइस, ऑप्शन बी जेन लेवी, ऑप्शन सी लेब्रोन जेम्स या फिर ऑप्शन डी कोबे ब्रायंट। ठीक है, फटाफट कीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर इसका आंसर आता है तो ठीक है, या अगर नहीं आता है तो कल हम इसका आंसर लेके आएंगे, साथ में लाएंगे और 14 प्रश्नों का संग्रह। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम आपके सुझाव को मानने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, और आप सभी दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, और सेफ रहें, घर में रहें, पूरा वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।